हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और हम आज आपको देने वाले हैं कुछ अलग नॉलेज, अलग जानकारी, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ये बोल रहे हैं कि भाई मैं एक बेबी पैरट लेके आया हूँ, उसको कैसे रखूँ, उसकी कैसे देखभाल करूँ, उसको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, तो वो आज आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, कहाँ से कि हम बेबी पैरट को कहाँ पे कैसे और किस तरह रखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले लेके आए हैं ये, इसमें है बहुत सारा भूसा। भूसा इसलिए क्योंकि ये भूसा बेबी पैरट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है उसके पैरों को। कई बार ऐसा होता है, हम बेबी पैरट ले आते हैं, उसे रख लेते हैं हम किसी कंडी में या किसी भी चीज़ में या किसी टोकरी वगैरह में, नीचे कपड़ा बिछाया और उसे रख लिया, तो कई बार इस वजह से, क्योंकि उसको थोड़ा सा गुदगुदा महसूस नहीं होता, उसको कंफर्ट फील नहीं होता, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि बेबी पैरेट के पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। और पैरालिसिस होने के कारण वो कई बार मर जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता। तो देखिए हमने कैसे उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। पहली बात तो हमारा ये बाहर गेट लगा हुआ है, बाहर गेट लगा हुआ है जिससे हवा अंदर नहीं आएगी। उसके बाद में ये गेट है, इस गेट से भी हवा नहीं अंदर आएगी। अब अंदर आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीजें। अब जब भी हम अंदर आते हैं तो इस गेट को सबसे पहले बंद करते हैं। अब इस भूसे को हम किस तरीके से यूज करते हैं अपनी बेबी पैरेट के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बॉक्स है, ये आप देख रहे हो, इस बॉक्स में है हमारा बेबी पैरेट। इस बॉक्स में हमने बेबी पैरेट क्यों रखा हुआ है, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। इस बॉक्स में हमने बेबी पैरेट इसलिए रखा हुआ है ताकि इसको हवा ना लगे, ताकि इसको ठंड ना लगे, ताकि ये किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए हवा लग के, जैसे कि बुखार, जुखाम और दस्त, ये चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको, हमने बेबी पैरेट को अपने कितना प्रोटेक्ट किया हुआ है, कितना प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि उसको ठंड बिल्कुल ना लगे। देखिए सबसे पहले मैं इसे ऊपर करता हूँ और ये हमारा मिट्ठू वो बात कर रहा है हमसे, डरा हुआ है। उसके बाद ये हमने पूरा बॉक्स लिया हुआ है, इस पूरे बॉक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक छोटा बॉक्स और रखा हुआ है। उस छोटे बॉक्स के रखने के बाद हमने ये बल्ब, आप देख रहे हो, ये जो बल्ब जलाया हुआ है, ये बल्ब है 15 वाट का, वैसे इसको 0 वाट का बोलते हैं। तो ये बल्ब जलाया हुआ है, ये हमारा बेबी पैरेट है, हमारा मिट्ठू है, ये भूखा है देखो। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर हमने इसके लिए बिछाया हुआ है ये भूसा, लेकिन अब क्या करेंगे हम, और इसमें भूसा रखेंगे, और भूसा इसलिए रखेंगे ताकि क्या होता है, ये जैसे इसका जो मल मूत्र होता है वो ये करता है, तो ये भूसा टाइट हो जाता है, तो ये थोड़ा टाइट हो गया। अब जो मेरे पास ये भूसा है, दिखाओ, अब ये जो मेरे पास भूसा है, मैं इसके अंदर ये और भूसा डालूंगा जिससे कि ये थोड़ा सा भूसे की मात्रा बढ़ जाए और ये थोड़ा सा फिर से गद्दे टाइप का बन जाए, क्योंकि इसमें लेटता भी है, बैठता भी है, मलमूत्र भी करता है, हर चीज करता है। तो आइए अब इसमें भूसा हम डालते हैं। ये हमने भूसा इसमें डाल दिया, ये और हम इसमें भूसा डाल रहे हैं। भैया मिठू इधर आ जाओ बेटा, इससे क्या होगा, भूसा डालना ही बहुत जरूरी है। मिठू बेटा इधर आओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये हमने इसमें और भी भूसा डाल दिया है, क्योंकि भूसा तो भाई डाल के रखना ही पड़ेगा, जितना भूसा डाल के रखेंगे, ये भूसा ठंडा है थोड़ा सा, तो ये हमने भूसा डाल दिया है इसमें। और ये हमारा जो बचा हुआ भूसा है, इसको हम बीछा मार के साइड में रख देंगे, इसलिए ताकि हमें बाद में काम आए, तो हम बाद में इस भूसे को इसमें डाल लें। अब आपको एक बात और बताता हूँ मैं, हमने क्या करना है। बहुत लोग, मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं कि भाई मैं 2 दिन पहले बेबी पैरेट लेके आया हूँ, अलेक्जेंडर पैरेट लेके आया हूँ या रिंग नेक पैरेट लेके आया हूँ, तो मैं उसे क्या खिलाऊं। मैंने आपको बार बार बताया, मेरी हर वीडियो में सबसे पहले यही चीज है कि मैं एक पैरेट को क्या खिलाऊं, मैं एक पैरेट को कैसे खिलाऊं, मैं एक पैरेट को पानी दूं या ना दूं। अरे भाई, जब हम बेबी पैरेट लेके आते हैं तो हम उसको बिल्कुल भी पानी नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हम खिलाते हैं उसमें पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और उसको मेल्ट कर देते हैं। तो मेल्ट करने के बाद क्या होता है, हम उसे खिलाते हैं तो उसकी पानी की कमी,
और उसके खाने की, ये दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने बेबी पैरेट को पानी ना दें, पानी की मात्रा उसके खाने के साथ पूरा कर दें। उससे उसको दो फायदे होंगे, एक तो उसको प्यास नहीं लगेगी, दूसरा भूख के साथ साथ पानी भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अगर किसी के पास बेबी पैरेट है तो वो रखे कैसे। भाई हम पैसे खर्च करते हैं, हम मेहनत करते हैं, उसके बाद हम एक बेबी पैरेट को छोटे से बड़ा करते हैं, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। हम एक बेबी पैरेट लाए, हमने लाके उसे एक बॉक्स में रख दिया, लेकिन हमने क्या ध्यान नहीं दिया, इसको हवा लग रहा है, इसको ठंड लग रही है, इसको बुखार हो रहा है, उसको सर्दी हो रहा है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली हुई है, कि जब बुखार हो जाए तो कौन सी दवाई दें, जब सर्दी लग जाए तो कौन सी दवाई दें, दस्त लग जाए तो कौन सी दवाई दें, खाना ना खाए तो कौन सी दवाई दें, वो भी वीडियो डाली हुई है, तो वो वीडियो भी आप चेक कर लेना। बाकी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या मेरी जितनी भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखें कि हमें इस बेबी पैरट को, जिसको हम अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। इसको हमें हमेशा गर्माई देनी है, क्योंकि या तो बेबी पैरेट की माँ, जब एक माँ होती है उसे बच्चे को अपने समेट कर रखती है तो उसको उसकी गर्मी मिलती है, तो ऐसे ही माँ नहीं है तो हमें उसकी माँ बनना पड़ेगा, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ही उसको पालना पड़ेगा। तो इसलिए एक छोटा सा बल्ब, जरूर लगाएं, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, क्योंकि जब भी इसको ठंड लगेगी ये क्या करेगा, इस बल्ब के आगे आगे बैठ जाएगा। तो ये देखो मैंने कैसे सिस्टम किया हुआ है, ये जो बल्ब है देखो, ये बल्ब है, ये मैंने यहाँ फंसाया हुआ है, और क्या होता है जब भी इसको ज़रूरत होती है, इस बल्ब की, या जब भी इसको ज़रूरत होती है गर्मी की, तो ये इसके बल्ब के पास आ जाता है। अब आप देख रहे हो ये जो बल्ब है, ये मैंने थोड़ी सी हाइट पे क्यों लिया हुआ है, ये बल्ब मैंने थोड़ी सी हाइट पे इसलिए लिया हुआ है ताकि ये यहाँ बैठे, तो बैठने के बाद क्या हो, आराम से भूखो है मेरा छोरो, तो आराम से ये इसके नीचे बैठ जाए और इसको अच्छी गर्मी गर्माहट मिल जाए। यहाँ अगर बैठेगा तो इसको गर्माहट अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बल्ब सेट किया हुआ है। तो ऐसा सेटअप अगर पॉसिबल हो तो अपने घर पर जरूर लगा लें, तो ये बल्ब जो आपका जलेगा ना, ये 24/7 जलेगा, मतलब 24 घंटे सातों दिन। तो ऐसा ना करें कि भाई आप रात में जला रहे हैं और दिन में बंद कर रहे हैं, अगर इस बल्ब को जला के रखोगे तो आपको अपने बेबी पैरट को धूप में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये दो बार बात इसलिए बोली है क्योंकि हम ये गलती करते हैं कि इसको धूप में बिठा लेते हैं और धूप में बिठाने के साथ साथ इसको ठंड लग जाती है। दिक्कत ना हो इसके लिए ये सेटअप जरूर बना ले। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बेबी पैरेट को पाल रहा है, जो भी चिक बेबी को पाल रहा है, प्लीज हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा सेटअप जरूर बना ले जिससे कि आपका पैरेट हेल्दी और स्वस्थ रहे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय भारत माता, जय श्री श्याम।